मेरा नाम भगवान सिंह पवार है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आपका परिचय देंगे आप? मेरा नाम नौरंग भाई। नौरंग भाई, वो आप कहाँ के रहने वाली हो आप? रामपुरे की। रामपुरे की रहने वाली? पियर वहाँ है, करेड़ी ससुराल। अच्छा, करेड़ी। अभी ये खेत कहाँ का है आपका? करेड़ी का। करेड़ी का है। हाँ। तो आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हम? क्या ये बैंगन? बैंगन है। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप हमें? बता, पहला तो अपन रोप लाए, फिर उसका पौधा बनाए महीना भर का, फिर दूसरे जाके सामान फिराए, खाद डाले, रखोड़ डाले और खाद अपना गोबर को डाले, जिसके बाद उपाड़ के फिर दूसरे जगह लगा। अच्छा, पहले तैयार, आपने पौधे तैयार? हाँ, पौधे तैयार करे, फिर उसको दूसरी जगह में लगाते हैं। फिर दूसरे जगह लगा। तो इसमें अपने सामान क्या क्या लगता है इसको लगाने में? उसमें लगाने में पहला तो गोबर का खाद डालो आप, जिसके बाद फिर रखोड़ डालो। पहला तो अपन बेल लाए, वो सामान फान के फिर उससे चांस निकालो, फिर उसमें खाद और, फिर आप जिसके बाद पौधा गाड़ो खुरपी से। अच्छा, फिर खुरपी से गाड़ना पड़ता है। हाँ। तो इसमें अपने सामग्री होगा, एक तो बेल। हाँ। और अपने जो वो हल रहता है वो भी जोतना पड़े, और एक खुरपी की जरूरत पड़ती है, एक खुरपी पड़े। तो ये तीन चार सामग्री लगती है। इसकी विधि बताएंगे थोड़ी आप हमें, कैसे लगाते हैं इसको, क्या करते हैं आप शुरू से? इससे फिर 8-15 दिन का हो जाने जब आप गुडाल लगाओ। मतलब पहले तो आप इसको नर्सरी में तैयार करते होंगे इसे पेड़? वो था नर्सरी में तैयार करे पहला तो शुरू से बताइए आप हमें कैसे क्या तैयार करते हैं इसको, कहाँ से लगाते? पहला तो इसका बीज ला के डाले वहाँ क्यारा में, फिर महीने भर का करे। अच्छा। फिर वहाँ से फिर सामान घेरे। हाँ। तो फिर उसमें खाद और डीपी। हाँ। पोटास। हाँ। और फिर खुरपी से गाड़े। अच्छा, वो सामान में आप खाद को और देते हैं? हाँ। फिर वहाँ से पौधा लाके खुरपी से इसको यहाँ पे लगा देते हैं, फिर वहाँ से उपाड़ के यहाँ लगा दूसरे जगह खेत में। फिर लगाने के बाद क्या करते हैं इसकी विधि आप? फिर 15 दिन बाद फिर गुडाला लगे खुरपी से। 15 दिन के बाद फिर गुडाला लगाते हैं, फिर दवा छिड़को, फिर दवाई छिड़कते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं इसमें? फिर उसके बाद पानी निकालो 15 दिन में, 8 दिन में पानी निकालते हैं, 8-15 दिन के बाद। और इसमें फिर पानी देने के बाद क्या करते हैं आप? फिर दवा छिड़को 15 दिन की 15 दिन। 15 दिन के बाद फिर दवाई छिड़कते हैं, फिर आप दवा छिड़क के और फिर महीना भर का पौधा आ जाए, फिर फूल आने लगने। हाँ। फूल आया से। हाँ। फिर बैंगन लगने लग जा। अच्छा, फूल आने के बाद बैंगन लगने लग जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर बाजार करो, मंडी करो, गांव में बेचो, सब्जी बनाओ। अच्छा, तो उसकी फिर तुड़ाई करते होंगे आप? तुड़ाई करा फिर उसकी। तो इसमें जो तुड़ाई करते हैं अपन, उसमें कैसे करते हैं तुड़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ऐसा तोड़ के रख दो। तो इस कैसे तुड़ाई करते हैं इसके बताएं? बैंगन से डाल पकड़ के तोड़ते। अच्छा, इसमें मतलब सावधान रखनी पड़ती है? सावधानी रखनी पड़े, झावरा टूट जाए। अच्छा, तो कैसे तोड़ते हैं इसको? ये से तोड़ते, डगाल पकड़। अच्छा, इधर से एक तरफ से डाली पकड़ते हैं और एक तरफ से तोड़ लो। अच्छा, आप ऐसे तोड़ो। अच्छा, टोपली में रख लो। अच्छा, फिर इसमें रख के ले जाते तोड़ तोड़? इसमें रख के ले जाते। फिर थैला भर के आप बाजार में रख दो, मंडी भेज दो। अच्छा, मंडी में भेज देते हैं फिर आप इसको। ये जो अपन बैंगन की आप जो खेती लेते हो, इसमें शुरू से लेके आखिरी तक क्या सावधान रखनी पड़ती है? शुरू से अपन ने पौधा लगाया नहीं। हाँ। तो 8 दिन बाद नींदो। अच्छा, जूता चप्पल मत पहनो, बाहर निकाल के रखो। अच्छा, जूता चप्पल पहन कर अंदर नहीं घुसना? हाँ हाँ, ये महादेव जी की बाड़ी है। अच्छा। इसलिए एमएन भरा। अच्छा। और फिर कचरा रहे नहीं तो ऐसा टोपली में रख लो, बाहर फेंको, ज्यादा इलट पैदा हो कचरों में डाले तो निकाल। अच्छा, जो कचरा अंदर रहेगा तो उसमें ज्यादा इली पैदा होगी तो कीड़ा को, कचरा को बाहर फेंक, कचरा को बाहर डाल दो टोपली में रख के। अच्छा, और इसमें कुछ कीड़ों के लिए कुछ सावधानी? 15 दिन की 15 दिन दवाई छिड़को। अच्छा, हर 15 दिन बाद आप दवाई छिड़ते हैं? पानी हेड़ दो 8 दिन में 15 दिन। अच्छा, 8 दिन 15 दिन में पानी भी जरूरी है और दवाई भी जरूरी है? दवाई भी जरूरी। ये सावधानी रखनी पड़ती है? छिड़क दो सोडा साबुन से, हाथ धो लो। अच्छा अच्छा, वो दवाई में भी फिर ध्यान रखना पड़े दवाई में। इसके अपन जो बैंगन लगाते हैं, इस खेती के लाभ क्या है? अपन इससे ये लाभ मिलता है कि अपन 2 बीघा गांव चना कमाते। हाँ। उसमें लाभ नहीं मिले, अतर 10 बसवा का भट्टा बोलो अपन। हाँ। तो ओके, बराबर लाभ मिलेगा अपन। अच्छा, अपन 2 बीघा का गेहूं जो रहता है वो 10-20 बसवा का भट्टा कम को फायदा दे देते हैं। अतरा अपने भट्टे को निपजे, अतर 10 बीघा गाँव निपजे नहीं, अतरा अपने बैंगन निपजे। अच्छा अच्छा, और कहीं फायदा उनको? उनको ये फायदा 8 दिन की 8 दिन फसल आए इनकी। अच्छा, हर 8 दिन अपना जो खर्चा रहता है उसमें से निकल जाता है? सब निकल जाता है इसमें। और इसमें जो लागत होती है खेती की वो कैसी लगती है? जो खर्चा होता है अपना इसके ऊपर वो कैसा होता है? और फसल से ज्यादा होता है कि कम होता है? इसमें 3-4 हजार का खर्चा हो जाए 10-20 बम। 10-20 बम कब? पूरे साल का? पूरे साल का। अच्छा, तो जब मतलब 10 बीघा फसल से कम है ये खर्चा के ज्यादा है और फसल से?
ज्यादा और फसल से पर ज्यादा फसल बैठती है इनकी। अच्छा, इसमें खर्चा तो ज्यादा है पर फायदा भी बहुत ज्यादा है। फायदा बहुत ज्यादा है। गांव चना एक बहुत काटते हैं अपन, ये 8 दिन के 8 दिन तोड़ देंगे। मतलब ये नकदी फसल अपने को हर 8 दिन के 8 दिन दे देती है। हर 8 दिन का 8 दिन देती है अपन को। इस खेती के बारे में, जो बैंगन की खेती है, इसके बारे में आप अपने जो और किसान भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी फसल से ऐसा बैंगन लगाने से ऐसा फायदा है, कोई भी सब्जी लगाए तो अपना 8 दिन का खर्चा हट जाता है, सब फसल से ज़्यादा बैठती है। आप यही समझा के कहूँ कि ज़्यादा करके सब्जी लगाओ। अपने सभी किसान भाई को समझाती है कि भाई आप ज़्यादा करके या भट्टा बैंगन की फसल बो और ये सब्जियाँ कहीं भी तो अपना घर खर्चा ढक जा, ज़्यादा फसल बैठती है। यह अपने गांव चना से 10 गुना अच्छा फायदा देती है, तो ज़्यादा सी करके अपने सब्जी बोना चाहिए किसान भाई। काके, आपने हमें और हमारे जो और किसान भाई हैं उन्हें बैंगन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राम राम। जय राम जी। जय राम। हाँ जी, दो ही बल्ले को कोई दिक्कत नहीं।